एक न्यू फाइल ली, ठीक है। इस फाइल में फिर वही लिखते हैं, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच हैश इंक्लूड stdio डॉट एच वॉइड मेन। ये आपको लाइन लिखनी ही लिखनी है हर बार, ठीक है। जब भी आपको कोई प्रोग्राम बनाना है, एक लिखना है clr str स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, और एक लगाते हैं हम getch लास्ट में स्क्रीन को होल्ड कराने के लिए। कब तक? जब तक आप कोई कैरेक्टर प्रेस नहीं करोगे तब तक ये होल्ड करके रखेगा आपकी स्क्रीन को, ठीक है। अब जो भी प्रोग्राम है आपको वो यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया में बनाना है, ठीक है जी। चलो अब हम क्या करते हैं, दो नंबरों को जोड़ने का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो दो नंबर आपके हम इंटीजर, इंटीजर कौन से नंबर होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता, समझ रहे हैं? जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता वो हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है जी। दूसरे होते हैं हमारे फ्लोट नंबर। फ्लोट कौन से होते हैं जिनमें पॉइंट आता है, ठीक है। अगर बहुत बड़ा पॉइंटों में लेना है तो हम डबल लेंगे। देखो जैसे हम इंटीजर्स के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, हमने क्या किया, हमने दो वेरिएबल लिए इंट ए, और ए के अंदर वैल्यू रख दी 10। ए के अंदर क्या वैल्यू रख दी, 10 कोमा। एक वेरिएबल लिया बी, बी की वैल्यू रख दी 20। मुझे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, ए और बी की वैल्यू को जोड़ना है। तो यहाँ पर आपने क्या बताया, ए हमारा इंटीजर है, किसी भी वेरिएबल को बताना पड़ेगा कि वेरिएबल किस टाइप का है। तो आपने यहाँ पर बताया ए हमारा इंटीजर है, इसी तरह से बी भी हमारा क्या है, बी भी हमारा इंटीजर है, समझ रहे। तो आप कितने भी वेरिएबल इंटीजर टाइप के ले सकते हो, जैसे आपको एक और इंटीजर लेना है तो कोमा करके तीसरा लिख दो, सी इज इक्वल टू 30। ये हमारे इंटीजर्स हैं। तो हमें बताना पड़ता है सी, आपके जो कंपाइलर होता है जो आपके प्रोग्राम को रन करता है एग्जीक्यूट करता है उसको बताना पड़ता है कि कौन सा वेरिएबल किस टाइप का है, ठीक है। तो ये हमारे तीन इंटीजर हो गए। अब हम क्या करते हैं, तीनों इंटीजर्स को जोड़ते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ मुझे प्रिंट कराना है। मैंने लिख दिया सम इज, कोलन परसेंट डी, और सम कर दिया ए प्लस बी प्लस सी। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूं, ठीक है। इसको पहले सेव करते हैं F2 से, इसको हमने सेव कर दिया सम डॉट सम से ही सेव कर दो सम। आप इसको रन करेंगे किससे, कौन सी की प्रेस करेंगे रन करने के लिए, मैं लिख देता हूँ कंट्रोल F9 मैंने प्रेस किया, ये आपका आउटपुट आ गया 60, सम इज 60। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको समझनी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का क्या मतलब है, ठीक है। देखो आउटपुट क्या है हमारा, अभी आपने आउटपुट देखा था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आउटपुट क्या आया, ठीक है। इस लाइन का मतलब समझते हैं, देखो यहाँ पर ब्रश ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर देखो हमारी जो ए वेरिएबल था उसकी वैल्यू 10 थी, और एक वेरिएबल बी था, बी की वैल्यू कितनी थी, 20 थी, और एक वेरिएबल था हमारा सी, सी की वैल्यू हमारी 30 थी, ठीक है। ये हमारे तीन वेरिएबल्स थे ए बी सी। अब इनका सम कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। अब मैसेज क्या प्रिंट हुआ आपका, द सम इज इस, ये 60 जो है परसेंट डी की जगह आ जाएगा। परसेंट डी किसको डिनोट करता है, परसेंट डी करता है इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, इसलिए प्रिंट किस लिए काम आता है, परसेंट डी, परसेंट डी प्रिंट इंट वैल्यू मतलब इंटीजर वैल्यू। हमारा 60 क्या है, इंटीजर है, समझ रहे, 60 क्या है, इंटीजर है, इसमें पॉइंट नहीं है। तो अगर आपको कोई भी वैल्यू प्रिंट करानी है विदाउट पॉइंट तो आपको लगाना पड़ेगा परसेंट डी कहां पर, प्रिंट एफ के साथ। तो हमारा आउटपुट आ जाएगा सम इज, परसेंट डी की जगह क्या आ जाएगा, 60, तो ये 60 प्रिंट कर देगा।